नगरपालिका परिषद पीथमपुर और महिला बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वावधान में परिषद हाल में लाडली लक्ष्मी बहना उत्सव मनाया। सागौर में भी सेक्टर प्रभारी चंद्रिका सोनी द्वारा सागौर में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पात्र बालिकाओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए एवं प्रतिभावान बालिकाओं और महिलाओं को सम्मानित किया गया एवं प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों, पार्षदगण के अलावा नगरपालिका अधिकारी एवं महिला बाल विकास के अधिकारी एवं पात्र महिलाएं उपस्थित थी। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। जी बताइए, आज आयोजन था, क्या आयोजन रहा और कैसा रहा? माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज जी सिंह चौहान जी के द्वारा पहली बार लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश में स्टार्ट की गई थी। शुरुआत में ये उसी उपलक्ष्य में आज पूरे मध्य प्रदेश में कार्यक्रम रखे गए हैं, जिसमें जो लाडली लक्ष्मी के पात्र जो बालिकाएँ थी उनको प्रमाण पत्र दिए गए। जो प्रतिभावान बालिकाएँ थी, जो खेल कूद में अग्रणी होती, जो लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ भी ले रही है, उनको भी प्रमाण पत्र दिए गए और सभी को शुभकामनाएं दी गई और लाडली बहना योजना के विषय में भी उनको बधाई दी गई और सभी कार्यकर्ताओं को जो महिला बाल विकास की महिलाएं उनको भी सम्मानित किया गया है। आपका नाम बता दें। पार्षद बालाराम मीणा, वार्ड नंबर 11। जी मैडम, आज जो आयोजन हुआ है लाडली बहना को लेकर, क्या आयोजन है और कहाँ तक हम सफलता प्राप्त कर चुके हैं? आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में हम लोगों ने लाडली लक्ष्मी दिवस मनाया नगर पालिका और महिला बाल विकास के सहयोग से। नगर पालिका परिषद में हॉल में ये कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें 11 बजे से स्थानीय कार्यक्रम हुए, जिसमें सम्मानीय जनप्रतिनिधियों को, लाडली बहनाओं को, लाडली लक्ष्मी बच्चों को भी बुलाया गया था और उसमें बच्चों का, लाडली लक्ष्मी बहना का पूजन किया गया। और जो किसी किसी प्रतियोगिता में, शिक्षा के क्षेत्र में या डिफरेंट क्षेत्र में जिन लोगों ने भी कुछ उल्लेखनीय कार्य किया है, उन लोगों को सम्मानित किया गया। इसके पश्चात माननीय सीएम साहब का प्रोग्राम हुआ, जिसको सभी महानुभाव ने सुना। उसके बाद हमारे साथ कार्यक्रम समाप्त हुआ। आपका नाम बताइए। मधु सक्सेना, सीएमओ नगर पालिका। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।